Hi everyone, my name is Shriya and welcome to my channel Beauty and the Code. In today's video, I'm going to haul from IkEA. So I've got a lot of things from IkEA and I visit IkEA very often. IkEA has great household things that you'll need to decorate and in general, very nice household things. I hope that you enjoy watching this video and iske pehle ki hum we jump into the haul, make sure ki aap mere channel pe subscribe kariye and hit the bell notification right next to it so that you'll be notified every time that I upload. Having said that, let's get started. This is the huge, oh my god, IKEA ka bag pura bhara hua hai. Sabse pehle shuru karte hain. This is the first thing that I've got. ये अगर आपको दिख रहा है ये ऐसे शेप का है और ये क्या है बेसिकली ये लैपटॉप रखने के लिए टेबल है तो मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मैं पूरे समय ही पीसी पे रहती हूँ तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि टू पुट इट ऑन योर लैप ये जो इसका कर्व्ड पोर्शन है ये ऐसे रहता है तो पुट इट ऑन योर लैप एंड पुट द लैपटॉप ऑन दिस एंड यहाँ माउस के लिए भी जगह है तो दिस इज़ वेरी स्पेशियस ये 1000 का था इसमें दो तीन कलर भी अवेलेबल थे आई गॉट द ब्लैक वन बिकॉज इट्स वेरी जेनरिक काइंड ऑफ अ कलर तो मैं ये वाला लेकर आई यहाँ पे एक पिलो टाइप का है और अंदर कुछ फिलर है एंड ये डिटैचेबल भी है लाइक फ्रॉम हियर यू कैन सी यहाँ पे कुछ हुक्स लगे हुए हैं वेयर इज द हुक ये यहाँ पे ये ऐसे हुक्स लगे हुए हैं यहाँ पे सो दैट दिस गेट्स अटैच्ड ओवर हियर ऐसे इसको फंसा देना होता है एंड देन ये पिलो फंस जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा इट्स वेरी कन्वीनियंट मैं ऑलरेडी लाइक एक हफ्ते से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये परचेज एंड मेरे लिए ये बहुत काम की चीज़ है तो 1000 तो यही हो गए सो द सेकेंड थिंग दैट आई हैव इज दिस मैट ये जूट मैट है और इसमें वो एकदम ऐसे रस्सी जैसा फ्रेग्रेंस है मतलब एकदम जैसे अर्थी फ्रेग्रेंस होता है ना बिल्कुल वैसा वाला फ्रेग्रेंस है इसमें बट ये काफ़ी अच्छी मैट है इट्स फॉर 250 रुपीज़ एंड वहाँ पे IKEA में ऐसे बहुत सारे मैट्स अवेलेबल है लाइक बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है देयर सो मच टू चूज़ फ्रॉम तो आप अपने घर के एस्थेटिक्स के हिसाब से इसको लीजिए मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी For 250 rupees, I think it is a steal deal. And इसकी quality बहुत अच्छी है काफ़ी like काफ़ी thick है and काफ़ी lightweight भी है and it honestly looks very beautiful like you know center table पर रखने के लिए या फिर dining table पर रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है So the third thing that I have is again this jute का गमला pot या garden pot तो ये वो है ये 350 रुपीज़ का था मुझे बहुत महंगा लगा बट ये एक्चुअली मतलब रस्सी जूट नहीं है दिस इज़ लाइक यू नो जूट का मटेरियल बट इट्स नॉट एक्चुअली लाइक रस्सी नहीं है ये एंड इसके अंदर जो आप प्लांटर दिख रहा है वो भी मैंने IKEA से लिया बट वो सेपरेटली ख़रीदा ये एक लाइव प्लांट है फेक प्लांट नहीं है IKEA का गार्डन सेक्शन बहुत ऑसम है वहाँ पे मतलब लाइव प्लांट्स भी हैं और फेक प्लांट्स भी हैं ये वाला लाइव है ये 60 रुपीज़ का है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल आई थिंक मनी प्लांट ही बोलते हैं इसको तो ये वो है एंड ये 95 का था डिस्काउंट में 60 रुपीज़ में आया है एंड ये वाला पॉट जो है वो 350 रुपीज़ का है दिस पॉट इज़ डेफिनेटली कॉस्टली बट अगेन इसका वो एस्थेटिक फील इतना अच्छा है ना अगर आपके घर में वो अर्थी ब्राउन्स यूजुअली इंडियन हाउसेस में ब्राउन बहुत डोमिनेटिंग होता है अगर आपका वो कलर थीम है ना घर का ये बहुत अच्छा लगेगा एंड यू गोइंग टू लव दिस तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये 350 का है और अंदर वाला प्लांट 60 रुपीज़ सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ अगेन अ फेक प्लांट ये वाला फेक प्लांट है ये एक फर्न का रेप्लिका है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इसकी क्वालिटी देखो इतना नेचुरल दिखता है ना ये बट ये 500 रुपीज़ का था
IKEA का garden section है बहुत classy but महंगा है okay मुझे तो सस्ता नहीं लगता so this is for 500 rupees काफी प्यारा piece है it looks very beautiful मैं एक मेरे पास एक orange pot है मैं उसमें इसको रखती हूँ it just looks fabulous so that's the next thing so I'm picking things in random order कभी garden section का उठा रही हूँ कभी कुछ दूसरे section का उठा रही हूँ this is the next product that I have ये एक bowl है ये कांच का bowl है और ये बहुत ही beautiful pastel pink color में है इसमें बहुत प्यारे colors available है there's a pista color available light grey light cream light beige सारे color available है white है तो आपके अपने घर के requirement के हिसाब से आप इसको लेके आइए whatever crockery color you prefer bring that मुझे ये pastel pink बहुत unique लगा and you know most of the stores Indian stores में ये color नहीं मिलता है थोड़ा English color type का color है ये I absolutely love it and ये शायद 200 rupees का था मुझे याद नहीं आ रहा शायद 200 या 250 का था शायद 200 का था so the next few items are these lights मैंने करीब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात I bought 8 lights तो ये जो lights हैं इनमें एक magnetic strip है ये battery operated lights हैं और इसमें तीन ऐसे lights हैं तीन है तो तीन ऐसे lights हैं और इसमें एक सर्कुलर रिम है और इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप आता है तो ये बैटरी ऑपरेटेड है आपको इसमें प्लग वर्क का कोई झंझट नहीं है कबर्ड्स के अंदर जहाँ पे जैसे लाइक लाइट की कमी होती है या आपके पास कोई शोकेस है जिसके आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना है बट अंदर लाइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते ये एक फोकस लाइट की तरह काम करता है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रिप आप ऊपर लगा दीजिए और लाइट उस पर चिपक जाती है बैटरी से ऑन कर लीजिए और इसको ऑन करने का भी बहुत सिंपल तरीका है ये लाइट के ऊपर बस प्रेस करना होता है आप एक बार उसको प्रेस करोगे लाइट ऑन हो जाती है दोबारा प्रेस करोगे ऑफ हो जाती है तो इसीलिए ये बहुत कन्वीनियंट है ये 150 रुपीज़ का है आफ्टर डिस्काउंट वैसे ये 250 रुपीज़ का था बट IKEA पे डिस्काउंट चल रहा था आई गॉट दिस फॉर 150 मैं ऐसे 6 लेकर आई हूँ दो मेरे मॉम डैड के लिए दो मेरी बहन के लिए और बाकी बच्चे मेरे लिए तो ऐसे 6 या 8 लेकर आई हूँ फॉर ईच वन ऑफ अस तो अपने अपने कबर्ड्स में ये लगाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एंड इसमें सिल्वर कलर ब्लैक कलर रेड एंड ब्लैक रेड सिल्वर वाइट ये सब अवेलेबल है तो आई गॉट सिल्वर ये वाइट वाला है एंड आई गॉट सिल्वर वन तो ऐसे कुछ 6 और 8 बल्ब्स हैं तो आगे का जो भी सामान मैं आपको दिखाऊंगी वो ऑलमोस्ट सब गार्डन सेक्शन से ही है मैं IKEA मोस्टली गार्डन सेक्शन के लिए जाती हूँ और ये देखिए कितना प्यारा है ये 800 रुपीस का है ये हाइड्रेंजियाज है ब्लू कलर का इसमें ग्रीन कलर भी आता है बहुत नेचुरल दिखता है दिस इज़ हाउ इट लुक्स मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं ये अपने मॉम को गिफ्ट करने वाली हूँ एंड आई विल एंश्योर कि ये वीडियो गोज आफ्टर दैट आई हैव गिफ्टेड सो दैट शी डजंट गेट टू नो कि मैं क्या गिफ्ट करने वाली हूँ तो ये मैं अपने मॉम के लिए लाई हूँ उनको फ्लावर्स बहुत पसंद है मेरे मॉम डैड को गार्डनिंग बहुत पसंद है तो आई जस्ट वांट टू मोटिवेट देम बाय गिविंग दिस हाँ ये फेक प्लांट है कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं है बट दिस इज़ सो प्रिटी एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव देम दिस वन बहुत प्यारा है सो दिस इज़ फॉर देम दिस आर हाइड्रेंजियास एंड दिस इज़ हाउ दे लुक सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये क्या है बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे मतलब फील्ड्स जैसा फीलिंग आता है इसमें कि जैसे खेत या फील्ड्स में फार्म हाउस में ऐसे टाइप के नेचुरली ग्रो करते हैं तो ये वैसा वाला फील आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा 500 रुपीज़ का है ये छोटा सा इसका ये ब्लैक पॉट है बहुत नेचुरल दिखता है लुक्स सो क्यूट तो ये मेरा नेक्स्ट परचेस है My next two purchases are these hanging pots. इसमें आप देख सकते हो कितना beautiful flow है plants का like it's so gorgeous. And यहाँ background में आपको शायद दिख भी रहा होगा यहाँ पे मैंने एक लटका के रखा है. तो ऐसे मैं दो और लेकर आई because these look very natural and इतना low maintenance है ना. तो ये दो लेकर आई मैं कितने प्यारे हैं देखिए दीज आर फॉर अराउंड लाइक अगेन 800 महंगे हैं बट बहुत नेचुरल दिखते हैं सो आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी नेक्स्ट मैं ये प्लांट होल्डर लेकर आई ये 300 रुपीज़ का है और इसमें अंदर चेन है मुझसे निकल नहीं रही बट अंदर यहाँ पे ना चेन है एक पॉट हैंगर जैसा है यहाँ पर तो इसमें वो चेन तीन जगहों पे लगानी है और ये ऐसे लटक जाता है तो इट कम्स विद अ हैंगर
तो मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर इसको रखूंगी कुछ ऐसे एंड देन आई विल जस्ट हैंग इट विद द चेन दैट इट कम्स विथ. मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा लगा एंड ये वाइट कलर का है तो इफ़ यू वॉन्ट आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको पेंट कर सकते. सो द लास्ट थिंग फ्रॉम द गार्डन सेक्शन इज दिस ट्रे. ये एक ग्रिल पॉट हैंगर है. बेसिकली ग्रिल पे ये दो हुक्स के मदद से आपको जिस ग्रिल पे इसको अटका देना है एंड देन ये वाले स्पेस में आप पॉट्स को रख सकते हो. शायद मैं आपको शो करके दिखाती हूँ. तो ग्रिल पे तो लगाना कैसे है वो आपको पता ही है. इस पे ऐसे पॉट्स रख के तो इस पे ऐसे तीन चार पॉट्स इसको इसके ऊपर ऐसे तीन चार पॉट्स रख के आप इसको ग्रिल पे फंसा सकते हो. ये भी 800 रुपीस का था. मुझे थोड़ा सा महंगा लगा. मुझे ऐसा लगा कि मतलब 300-400 रुपए से महंगा लग रहा है. 500 या 500 से कम का होना चाहिए था बट मुझे मिल ही नहीं रहा ये ग्रिल पे कहीं लगाने का. और मेरे पास ग्रिल पे लगाने के अलावा और कहीं जगह ही नहीं है प्लांट्स के लिए. तो आई रियली नीडेड दैट तो मैं ले आई. सो गाइज दैट्स इट. दैट्स एवरीथिंग फॉर माई आइकिया हॉल. आई नो दिस आइकिया हॉल वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड विथ ऑल द गार्डन एसेसरीज एंड गार्डन सेक्शन. आइकिया का गार्डन सेक्शन बहुत 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 ऑसम है. इफ़ यू विजिट आइकिया कीप अ बजट ऑफ 5,000-6,000 रुपीज. सस्ता नहीं है उसका गार्डन सेक्शन बट यूनिक है. सो यू विल प्रोबेबली लाइक इट. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेल मी विच वॉज योर फेवरेट थिंग फ्रॉम दिस हॉल इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो अगर आइकिया से क्या लेना चाहिए आपके कोई रिकमेंडेशंस हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं नेक्स्ट टाइम आइकिया जाऊंगी तो आई विल चेक आउट द थिंग्स दैट यू रिकमेंड और अगर मेरा बजट होता है तो आई विल बाय इट. Alright, thank you so much for stopping by and I will see you very soon in my next video. Bye!